विश्व मधुमेह दिवस पर डायबिटीज सेल्फ केयर एसोसिएशन एवं लाज वालास द्वारा मधुमेह जन चेतना व्याख्यान माला और जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर जसजीत वासीर, विशिष्ट अतिथि एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता, वेदानंद दुबे सहित अन्य चिकित्सक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर लोगों को मधुमेह के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता ने कहा, आप जैसा देख रहे हैं हमारे बैनर पे लिखा हुआ है कि ये ग्लोबल डायबिटीज वॉक का एक हिस्सा है, वैश्विक मधुमेह पद यात्रा। आज 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस है और आज के दिन पूरे विश्व में इस रोग के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए ये एक विश्व मधुमेह पद यात्रा निकाली जाती है, जिससे लोगों में चेतना जगे कि वो उचित ढंग से अपने जीवन को संचालित करें, खान पान उचित रखें, नियमित व्यायाम करें और खुद और आने वाली पीढ़ियों को इस रोग को होने से बचाएं। ये जन चेतना का एक हिस्सा है। क्या उपाय है इसका? किसके डायबिटीज के लक्षण तो ये है कि 90% लोगों में कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए सबसे बड़ा लक्षण है कि अगर आपका तौन निकल रहा है तो सतर्क हो जाएं, आपको मधुमेह होने के लिए आरएसी का बर्थ अलर्ट हो चुका है। आज तौन निकली है, कल डायबिटीज भी हो जाएगी, तो सबसे पहले अपनी तौन कम करें।